बेनाडस ये जो कलर है ये विंटर का सीजन में ये ग्रीन हो जाता है। ये हम लोग का बच्चन है, ये एक्चुअली सिविल इंजीनियर। हम अब जाएंगे ऊंचाई पर। अब तो मैं पापा को भाई एकदम नहीं दूंगा। अब तू रोड देख भाई, तू व्यू मत भाई। मुर्गी 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 ये सडन प्लान हुआ तो मैं पापा और बुबुन यहाँ पर रहे तो सडनली हम लोग प्लान किए चलो आज घूमने जाते हैं। और घूमने जाएंगे कहाँ वो तो आपको एकदम ऊपर जाके ही पता चलेगा। तो चलिए सब रेडी हो चुके हैं। टाइम इज राइट नाउ 12:02 हो चुका है तो हम लोग थोड़ा बहुत लेट है, तो कोई बात नहीं, रास्ते में मैनेज हो जाएगा। तो चलिए अरे चार्जर ने तो मेरे साथ आज जो जो है जो कैरेक्टर्स जो है आज बापा आप लोग तो पहचान दे एंड बुबुंदा द ओनर ऑफ दिस सोलागढ़ रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट एंड ऑल्सो अलोंग विथ हिज टू फ्रेंड्स योर नेम विप्लव एंड ही इज विप्लव एंड ही इज आवर न्यू फ्रेंड ओके एंड वी हैव अनदर फ्रेंड अच्छा उसको हम बाद में दिखाएंगे। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। अब चलो तो उतना बड़ा बाइक तो नहीं है, ये एंटॉर्क है तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। चलो दिखते हैं कितना तक उठते हैं ये। भाई तू बाइक नहीं चला सकता, तू स्लो ड्राइव करता है तो ही नीड 7 इयर्स। पापा ने मानो ऐसा बाइक ड्राइव ऐसा चलाया जो वो बाइक नहीं देगा। गोया कैसे बिना मन जाने का ये जो है पाइनएप्पल ना काट दे पाइनएप्पल बांग्ला आ जाएगा। हम अनारस बोली और ये तो हिंदी थे हिंदी में की बोला जाएगा बनारस। तो यहां का व्यू तो बहुत बढ़िया है, आप लोग देख सकते हो। अनारस काका से लिया था मेरा पिछला वाला जो ब्लॉग है बागपुल, वो उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया व्यू लिया मैंने। सो चलिए यहाँ एकदम देर नहीं करेंगे बिकॉज अब हमें तो बहुत दूर जाना है, बिकॉज मुझे जाना है दार्जिलिंग के बाद। दार्जिलिंग का ऊपर हम लोग जाएंगे किसी ऑफ बीट डेस्टिनेशन पर, अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, बट फर्स्ट दार्जिलिंग जाएंगे उसके बाद दार्जिलिंग का डिसाइड करेंगे। तो so, जाने से पहले थोड़ा बहुत व्यू दिखा देते हैं। ये जो पानी का जो कलर है ये विंटर का सीज़न में ये ग्रीन हो जाता है, तो इसका एक खासियत है तिस्ता का, जो विंटर का सीज़न में इसका पानी का कलर ऐसा आता है तो बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर मेरा कंपनी लोग सेल्फी लेने के लिए मुझे बुला रहे हैं। ओके लेट से अपना मैं टाइम उसको लाते हैं चल अखन बेड़ो इधर दे। ओके ठीक है, बापा ने बोल दिया यहाँ से जल्दी निकलना है बिकॉज टाइम अब हो चुके हैं 1:40 और अभी भी मुझे दार्जिलिंग जाना है। अब पापा को तो मैं बाइक नहीं दूंगा, बहुत पुराया बाइक को और मेरा बहुत डर लग रहा था, वो ऐसे 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 चला रहा था, वो जो एंटॉर्क नहीं वो क्या चला रहा था भाई। बट हम अब जाएंगे ऊंचाई पर, अब तो मैं पापा को बाइक एकदम नहीं दूंगा, अब मैं बाइक खुद ही चलाऊंगा। पापा अब तुम्हें पीछे बैठना है ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ओके ठीक है चलो।
लोग हम पहुंच गए मंगपुर रोड। ये मंगपुर रोड सीधा जाएगा घूम, वहाँ पर घूम पे जाकर हम डिसाइड करेंगे हम दार्जिलिंग घुसेंगे या बाएं तरफ लेके सांदकपू जाएंगे। तो बापा ने अभी बोला हम लोग अगर टाइम में ठीक ठाक अगर पहुंच गए, अगर 4 बजे के अंदर अंदर अगर मानेभंजन पहुंच गए तो हम लोग आज सांदकपू का ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। एंड यहाँ का व्यू तो बहुत बढ़िया है इसलिए यहाँ पर रुका हूँ, अब देख लीजिए। बापा चट्टरा के पहुंचे वो मानेभंजन? हां এখন 1.5 ঘন্টা লাগবে মানেভঞ্জন পৌঁছেতে। 1.5 ঘন্টা লাগবে আড়াইটা বাজে। আরে কি মনে সন্ধ্যা পৌঁছে যাবে সময় যাই যাই এখানে দাঁড়া এদিকে দাঁড়া চেষ্টা তো করি না। मानेभंजन तक बहुत बढ़िया रोड है ये, आप रोड को जब दे सकते हो बहुत बढ़िया रोड है। पिछला वाला ब्लॉग में जो रोड था बहुत खराब था वो आप देख चुके हैं, वो एक्चुअली ट्रैकिंग करने का रोड था, तो ये रोड तो मेरे लिए आज हेवन है। और ये व्यू अगर इस रोड में मिल जाए तो मुझे तो लगता है मैं तो अब रशिया में हूँ। बट इट्स आवर नॉर्थ बंगाल एंड इट्स आवर प्रिविलेज दैट मेरा घर का थोड़ा देर बाद 2 घंटे करीब 3 घंटे में मुझे ऐसा ऐसा व्यू मिलता है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा राइड करता हूँ। सो ठीक है, चलिए मिलते हैं। चल लेट करने का कोई बात नहीं, इट मेन जगह पे जाइए अभी এখান থেকে ঘুম তাই তো এখন একটারে ঘুম না একটারে একদম শুকিয়া পকড়ি যা পকড়ি মানে বন্ধ করে দাও ভাই। সো বাপ্পা নে বল দিয়া মানে বলা আব যায়েঙ্গে তো রুকেঙ্গে ইয়া পর ঘুম পে পর বাপ্পা নে আজ বহুত ডিসপারেট হো গয়া মুঝে তো পতা নেই ইতনা ডিসপারেট কিউ দিখা রহা হ্যায় বাপ্পা তো ডাইরেক্ট কা যায়েঙ্গে হাম লোগ শুকিয়া পকড়ি দিমাগ খারাপ হো গয়া কিউ চলো দেখ লেতে হ্যায় ঠিক হ্যায় खुद ही बोला वो एकदम जाके सुखिया पोखी में रुकेगा। कितना दूर भाई है? 34 किलोमीटर। फिर भी ये हिली रोड में सोच लो ये अगर प्लेन रोड हो तो यहाँ का 34 किलोमीटर, वहाँ का 60 किलोमीटर। ये हम लोग का बच्चन है, ये एक्चुअली सिविल इंजीनियर है इसलिए ये व्हाइट कलर का टोपी पहना हुआ है। इसको हेलमेट नहीं मिला ना? ये हेलमेट नहीं मिला है, हेलमेट उठा के लेके चला। चलो ये भी ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करो। सो इस रोड का व्यू लीजिए। देख भाई तू व्यू मत भाई, रोड देख रहा हूं। वो लोग आ रहे हैं क्या? वो आ रहे हैं। चलो हम लोग का हिंदी तो बहुत खराब है पर हम हिंदी में ब्लॉग इसलिए करते हैं बिकॉज़ हिंदी जो लैंग्वेज है वो इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, तो हमारा ब्लॉग हर लोग समझ पाए इसलिए मैं हिंदी बोलता हूं। वैसे तो मैं बांग्ला बोलना पसंद करता हूं बिकॉज़ आई एम अ बंगाली, आमी बंगाली आमी বাংলা ভালোবাসি। But for vlogging, I always prefer Hindi. Hey, murgi, 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 murgi. अरे तो वो अभी आसुन जाते हैं। नहीं खबर आते हैं। लेकिन grilled chicken हो जाएगा ना ऊपर जाके। एकदम एकदम। ऊपर जाके grilled chicken बना लो। सोचती हूँ पापा रोटर तो कुछ नहीं करता। नहीं। हाँ मैं इधर की रात की वाला आती हूँ। रात में तो किसी दिन तो अभी। अरे रात वाला अलग आसुन जाते हैं। नहीं। एक्चुअली रात को ये लोग थोड़ा बहुत एडवेंचरस हो जाता है बिकॉज ये जो रोड है ये रोड टू सिंगालीला नेशनल पार्क नेवरावेली नेशनल पार्क। तो यहाँ पर रात में जब आता है तो वाइल्ड एनिमल्स जो है हिरन और कभी कभी लियोपार्ड भी नज़र आता है, तो मैं तो रात में नहीं आया, एक बार आऊँगा। कैंप करने का टाइम यही रोड से आएँगे। हाँ सडनली हम यहाँ पर रुक गए बिकॉज यहाँ का व्यू तो कुछ अलग ही है।
वो व्यू मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, तो मेरा अपना DSLR ऑन करना पड़ेगा, सो इसलिए सो इस व्यू को देखिए आप। पार्ट वन को करते हैं यहाँ पर ख़त्म, नहीं तो ये ब्लॉग थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर ये ब्लॉग अगर लेंथी हो गया तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसलिए पार्ट वन को यहाँ पर करते हैं ख़त्म। पार्ट टू में मिलते हैं जोर बंगलों से, उसके बाद जोर बंगलों से हम घूम होके जाएंगे सुखिया पोखरी, और सुखिया पोखरी जाने के बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टे सेफ स्टे कूल। ओके बाय बाय। So far from home, and I feel so tired.